नमस्कार, जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां एक भी घर में शौचालय नहीं है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां गांव गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं, वहीं देश में एक गांव ऐसा भी है जहां एक भी शौचालय नहीं बना है। मामला बिहार राज्य के नवादा जिले के गाजीपुर गाँव का है। गाँव की आबादी 2000 है, लेकिन महज अंधविश्वास के चलते यहाँ एक भी घर में शौचालय नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि घर में शौचालय होना अशुभ होता है, इससे बीमारियां फैलती है और मौत भी हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 साल पहले गांव के सिद्धेश्वर और एक अन्य परिवार के लोग अपने घर में शौचालय बनवा रहे थे, लेकिन इसी बीच उन दोनों ही परिवार के एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। तभी से अंधविश्वास घर कर गया कि शौचालय बनवाने का मतलब किसी परिजन को खोना। इसके बाद से गांव वालों ने घरों में शौचालय न बनवाने का फैसला ले लिया। ऐसा नहीं है कि गांव वालों के इस फैसले के खिलाफ किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की। करीब 8 साल पहले अरविंद नाम के एक युवक ने जब टॉयलेट का निर्माण शुरू किया तो एक एक्सीडेंट में उसकी कमर और पांव में चोट आई थी। इतना ही नहीं, सरकारी प्राइमरी स्कूल में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए एक दिन के बाद ही एक व्यक्ति की मौत हुई थी। तब से वहाँ बच्चे तो बच्चे, स्कूल के शिक्षक भी जाने से डरते हैं। स्कूल का टॉयलेट तभी से बेकार पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, शौचालय न होने से यहाँ कई रिश्ते टूट भी चुके हैं, फिर भी ग्रामीण शौचालय बनाने को राजी नहीं।